सेलिब्रेशंस 5th जून 2022 वातावरण दिवस अंदर उग रहे हुआ है। नहीं, बीज है। नहीं, कुछ टाइम। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे 5 जून 2022 विश्व वातावरण दिवस मनाते हुए अपना सारे ने उपराला किया कि साडा जिहड़ा धरती है साडी हरी भरी रहे द ओनली अर्थ। सिर्फ अर्थ के बारे सोचना अपना ने, अर्थ है की, इहदी विशालता की है, हुणे आपां तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। तो इस अर्थ को बचाने के लिए असी किस तरह के काम करने हैं, आओ आप इस पर विचार करें। आज विश्व वातावरण दिवस जो कि 5 जून को पूरे विश्व के मनाया जाता है, उसके संबंध में आज विशेष तौर पर असी सीड बॉम्ब्स लेके हाजिर हुए हैं, जिन्हों का मुख्य मंतव है कि थ्रो एंड ग्रो। साड़ी इको अर्थ, द ग्रीन प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अर्थ, साड़ी धरती है जिहड़ी एक बहुत वड्डा ग्रह है, पर अजिहियां 1300 धरतियां जदों बृहस्पत दे विच असीं सुणदे आं वी आ जांदियां, तां देखो सानूं किन्नी खुशी हुंदी है वी असीं एक धरती है ते उस नूं वी नहीं संभाल पा रहे। तो क्यों नहीं संभाल पा रहे, कारण की है? उसका कारण है, इसलिए सानूं दिन मनाने पैंदे आ कि इन्हां दिनां दे उत्ते आपां प्रण करिए, इस चीज़ के बारे सोचिए किस तरह साडा वातावरण है जिहड़ा गंदला हुंदा जा रहा, तापमान किन्ना वधदा जा रहा, किन्नियां क्लाइमेट चेंजिज़ आ गईआं होईआं, तो इन्हों कौन करेगा? मनुख ने जे सारा कुछ सामना है तो मनुख की यह जिम्मेवारी बन जाती है कि आले दुआले का ख्याल रखे। आले दुआले का ख्याल किवें रखा जाएगा? तो एक प्लांट के उत्ते जिहड़ा कि ग्रो कर रहा है, एक प्लास्टिक का जिहड़ा पोलीथीन है या है ना लिफाफा जे डिग्गिया पिया हो पौधा थोड़े देर बाद ही मुरझा जाता, तो इन्नी खतरनाक चीज़ है, असी इसनों क्यों नहीं बंद कर पा रहे? क्यों नहीं असी उन्हां नूं बनाना ही बंद कर दिए? तो वो बनने बंद हो जाएंगे तो मार्केट आएंगे नहीं तो विकणगे कितों? तो यह साडी सोच होनी चाहिए। तो अज मैं तुहाडे कोल जिहड़ा कंसैप्ट लेके आया, ये सीड बॉम्ब्स हैं साडे कोल, तो इन्हां दे उत्ते जिहड़ा हैगा एक कलर असी लगा दिता होया भी ये किहड़े है, किहड़े कलर दा, तो वो कलर दा तुसीं कहोगे जी की मतलब है, तो कलर दे नाल इत्थों सानूं पता लगता है भी इस दे विच किहड़ा सीड है साडे कोल। सुअंजना है, नीम है, यूकलिप्टस है, कदम है, गुआवा, ये सानूं पता लगता है इस दे विच। तां असीं की करना है कि ये एक सीड बॉम्ब लैके असी जाते जाते कार दे विच जा रहे हैं, बस के जा रहे हैं, पैदल सैर करते जा रहे हैं, एक सीड बॉम्ब नू थ्रो करना है। थ्रो करना मैं सिट देना धरती के उत्ते कच्ची जगह के उत्ते, जो इस सिट्टोंगे तो इस बनाया इस तरह का गया है कि इसके आले दुआले एक चिकनी मिट्टी लगाई, उस दे विच सीड है, तो इस जो तुम सिट्टोंगे कित मीह पेगा या उस पानी मिलेगा, जो ही सीड ने बाहर आ जाना, सीड ने बाहर आके ग्रो कर जाना, तो ग्रो करके फिर प्लांटेशन साड़ी बढ़ती जानी। इस दे विच कुछ नहीं है, इसका उपराला करने की लोड़ भी, पहला असी टोआ पट्टांगे जी, फिर उस दे विच सीड लगावांगे असी सीड, फिर उस तो बाद प्लांट ग्रो होगा, फिर उसनू पानी। ये ऐसे प्लांट्स हैं चुने हुए जिन्हों के बहुते कोई पानी की लोड़ नहीं है, जो वर्खा होगी तो वह कुदरती तौर के उत्ते अपने आप ही धरती के उत्ते। तो यह कंसैप्ट लैके तुहाडे कोल आया, सीड बॉम्ब्स इन्हां दा नाम है, थ्रो एंड ग्रो। बस असी की करना है, जाते जाते एक बॉम्ब है जिहड़ा असी ये सिटना, तो उस दे नाल ही उत्थे ही वह जिहड़ा हैगा प्लांट है जिहड़ा ग्रो कर जाना। तो अज इस विश्व वातावरण दिवस ते जिहड़े ये साडे कोल सीड बॉम्ब्स हैं ये असी वंडना चाहते हैं सारिआं नूं, इक बॉम्ब है जिहड़ा वो असी दे रहे हैं ताकि बॉम्ब नूं चलाउण। लेकिन बॉम्ब का नाम सुनते ही सानूं इस तरह लगता है भी साइंस बॉम्ब चलाती है, लेकिन बॉम्ब ऐसे चलाती है जिहड़े बॉम्ब खतरनाक ही नहीं है। हीरोशिमा नागासाकी ते जिहड़ा बंब सिट्टिया गया बड़ा खतरनाक से, अज तक वह असर है, लेकिन ये बंब असी उन्हां बंबा नू चेंज करता हुआ, तो उन्होंने चेंज करन दे नाल की है कि यह ऐसे फ्रूटफुल बंब बन गए साडे कोल, जिन्हां दे विचों के साडे ग्रो करनगे।
ठीक है, सीड्स ग्रो करनगे ते उस तो बाद साडे कोल इह जिहड़े हैगे आ असी प्लांटेशन जिहड़ी है एक नवेकले ढंग दे नाल कर पावांगे। तो इन्ना कहिंदा होया मैं तुहानू इत्थे दसना चाहवांगा कि साडी जिहड़ी अर्थ है वह 6400 किलोमीटर डूंगी है, रेडियस उसका 6400 किलोमीटर है, तो उसके आले दुआले जिहड़ा साडा एटमोसफीयर है उत्थे फिर सूरज दीआं किरणां साडे कोल जिहड़ियां आ रही हैं, सूरज दीआं किरणां आ रही हैं 15 करोड़ किलोमीटर साडा सूरज दूर है साडे तो, उत्थों किरणां आउंदियां 8 मिनट लग जांदे इन्हां नूं धरती ते पहुंचण दे लई, ते ओह किरणां जिहड़ियां इत्थों फिर रिफलैक्ट भी हुंदियां। तां जिहड़ा साडे कोल ग्रीन हाउस इफैक्ट आउंदा इक ग्रीन हाउस इफैक्ट हरा ग्रह प्रभाव जिसनूं असीं कहा गया, तां वातावरण जिहड़ा हैगा ओह गर्म हो रहा दिन ब दिन, तो कित्थे साडा देखो टैंपरेचर है रेंज साडी की है -50 डिग्री सैलसीयस टू +50 डिग्री सैलसीयस, तो तकरीबन असी नेड़े लगे हुए हैं। असी आम सुनिया हिसार दे विच अमृतसर दे विच जिहड़ा टैंपरेचर है 48 डिग्री सैलसीयस 49 डिग्री सैलसीयस, तो यह जिहड़ा टैंपरेचर है इत्थे तक पहुँचे मतलब असी 50 जिहड़ी अपर लिमिट है बॉर्डर लिमिट है उत्थे असी पहुँच चुके हुए हैं। तो उस तो बाद साडा की होने वाला है जे आने वाले समय दे विच असी प्लांटेशन ना कीती हरा भरा ना दिखाया सारा कुछ तो बड़े असी औखे हो जाएंगे, तो किन्नी गर्मी का सानू सामना करना पै रहा है, तो जिहड़ा हवा दे विच जिहड़े जलवाष्प है वह सारे ही खत्म हो रहे हैं, तो खुश्क हवा साडे शरीर नू पिंडे नू खा रही है, साडे किन्नी खुश्की आ रही है, चलते चलते साडा जिहड़ा हैगा फेस ते खुश्की आ जांदी है। ये देखो इसलिए असी अपने घर दे विच ही मैं कहांगा रणजीत सिंह नू भी दिखाऊगा कि प्लांटेशन सारी आले दुआले कीती है हरा घर लगे क्लेमीलेस लगे ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया ग्रीन पटियाला ग्रीन हाउस क्लीन हाउस। तो इसका असी एक नारा लैके अज के दिन ते चले हाँ कि 5 जून ते असी जिथे आंवले का लगाया हैगा ट्री जिथे फ्रूट्स हैगे हैं लैमन है नींबू है पपाया है ना, तो ये जिहड़ियां चीज़ां हैगियां ना साडे कोल सानूं जिथे बहुत ही एक आनंद भरिया वातावरण मैं दिंदियां उत्थे स्वच्छता प्रदान करदियां उत्थे ऑक्सीजन जिहड़ी है सानूं बहुत सारी मात्रा दे विच मिलदी है, और शाम वेले जो पानी वगैरह असीं इन्हां नूं दिंदे आ प्लांट्स नूं छिड़कदे आ तो बड़ा ही मतलब आनंददायक जिहा महसूस हुंदा भी हाँ इत्थे बैठ के इस घाह दा आनंद लै रहे हैं हरा भरा सारा वातावरण सानूं लग रहा है। तो ये चीज़ है जिहड़ी असीं अज दे दिन ये सारे जाने असीं शपथ लैंदे आ इस गल दी प्रण करदे आ कि असीं इस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ते जिहड़ा ये थ्रो एंड ग्रो वाला कंसैप्ट है इस नूं होर पापूलर करांगे, ये अपने घर तक ही सीमित नहीं रखांगे, ये घर घर तक पहुँचावांगे और लोगों के सीड बम्स है जिहड़े वंडांगे साडे समाज दे विच होर जिहड़े। मैं इत्थे एक जिक्र भी करना चाहवांगा कि संत बाबा श्री सेवा सिंह जी पद्म श्री अवार्ड जिन्हां नूं 2010 दे विच भारत सरकार ने दिता खडूर साहब वाले, तो वह बाबा जी ने क्या मतलब भी एनवायरमेंट के लिए काम किया उत्थे जाइए ना खडूर साहब तो आले दुआले सारिया जिहड़ियां सड़कां हैगियां दरख्तां नाल भरिया हुई आनंद आता है, कार ड्राइव करके भी आनंद आता है भी वाकई उन्होंने जिहड़ा हुण वह जंगल लाने का काम कर रहे हैं, वह सिर्फ इत्थे पंजाब दे विच ही नहीं मध्य प्रदेश दे विच इधर होर साइडां दे विच होर नेड़े तेड़े हरियाणा राजस्थान सब जगह के उत्ते हिमाचल सब जगह के उत्ते जिहड़ा प्लांट्स जंगल लगाने का भी काम कर रहे हैं, तो वड्डे वड्डे जंगल होणगे गुरु नानक साहब के 550 साल प्रकाश पुरब से जिहड़े वड्डे वड्डे साडे नानक गुरु नानक बाग बनाए गए मोगा दे विच इत्थे नेड़े, मतलब ये कंसैप्ट जदों साडे सारिआं दे विच आजूगा तो असी सारे जाने घर घर दे विच उपराला शुरू कर देंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि साडे टैंपरेचर नूं असी किसी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। मैं इदां नहीं कहिंदा वी 50 तो सीधा असी 25 ते कर लेंगे, नहीं जे 50 तो असी इस नूं घट्टो घट्ट 45-46 ते भी कर लैंदे आ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵਾਗ ਲਗਾਏ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰਾ ਭਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
गुरु नानक साहब तो चलिया हुआ, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, उस तो बाद हरियावल दे विच किस तरह के नाल हर पासे मतलब, तो इस करके सानू यह दिन मनाने चाहिए हैं। और इन्हां दिनों के उत्ते जिहड़े हैगे आ असी प्रण करिए कि असी सारी मनुखता की सेवा दे लई वचनबद्ध हाँ, सेवा दे विच हाजिर रहांगे और इन्हां दिनों नू मनाउंदे हुए अपने देश ते कौम की सेवा करते रहांगे। इन्हां कहिंदा होया बहुत बहुत धन्यवाद।